बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 7। ओपन योर बुक, लोकेट पेज नंबर 109। टुडे वी विल डिस्कस फाइलम आर्थ्रोपोडा। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा? द वर्ड आर्थ्रोपोडा कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, आर्थ्रो विच मीन्स जॉइन एंड पोडा which means feet. So arthropoda are organism which has jointed feet, as shown in the diagram. For example, aapko diagram mein different pictures nazar aa rahi hogi animals ki, like scorpion, cockroach, spider and butterfly. They all have jointed legs ya feet, ya jointed limbs bhi keh sakte hain. ये तो था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका। नेक्स्ट है जी, कि आइदर दे आर फ्री लिविंग या पैरासाइट। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट्स की सूरत में भी प्रेजेंट हैं। फ्री लिविंग हम जानते किसे कहते हैं, पैरासाइट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट से अपनी खुराक हासिल करते हैं, जो उसको अफेक्ट करते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो इस ग्रुप के चंद ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग हैं और चंद पैरासाइट्स हैं, लाइक ह्यूमन लाइस ले लें, मॉस्किटो ले लें। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो जिनका आउटर कवरिंग है इसको एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल विच इज़ कॉल्ड काइटिन। मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स को अगर आप देखें, लाइक स्कॉर्पियन या कॉकरोच वगैरह के, तो उनको जो आउटर स्केलेटन होता है ना ऊपर से, ये बिल्कुल हार्ड सा म्यूकस लाइक आप कहते हैं कवर होता है, उस कवरिंग को एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि काइटिन का बना हुआ। लोकोमोशन की बात करें यानी मूवमेंट की, तो ये कैसे मूव करते हैं? दे में आप कह लें ये फ्लाई कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, या एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में प्रेजेंट है, एज अ सॉयल में भी प्रेजेंट है। कुछ जो है स्विम कर सकते हैं, लाइक क्रैब्स हैं, दे आर एबल टू स्विम इन वाटर। ठीक है, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स आपने लाइक बटरफ्लाई हैं, दे आर एबल टू फ्लाई। तो ये हैबिटेट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कंडीशन में, ये किस सिचुएशन में प्रेजेंट है, वो उसका हैबिटेट या लोकोमोशन, वे ऑफ लोकोमोशन उसी के मुताबिक है उनका। अगर पानी में रहते हैं तो स्विम करेंगे, एयर में तो फ्लाई करेंगे। जैसे स्पाइडर है वो क्रॉल करता है। नेक्स्ट है जी, इनकी सबसे बड़ी क्लास जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, क्लास इंसेक्टा कहलाती है, जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है ऑफ एनिमल किंगडम में। और ये इंसेक्ट हर जगह मौजूद हैं, जैसे हमने पढ़ा, पानी में, सॉयल में, एयर में। जनरल बॉडी की बात की जाए तो इनको बॉडी को हम तीन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमन, एज शोन इन द डायग्राम। ये थी जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपका होम टास्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 10। थैंक्स।